घर वापस आलू से मैं आज मैं शेयर कर रही हूँ आलू गोभी और गाजर की सब्जी की रेसिपी। आधा किलो गोभी लिया है, इसको धो के इस तरह से काट लिया है। एक आलू लिए हैं, आलू थोड़ा बड़ा साइज़ का है, और एक गाजर को मैंने इस तरह से काटा है। दो हरी मिर्ची लिए हैं, एक चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, और दो टमाटर लिए हैं, टमाटर को इस तरह से काट लिया है, और एक प्याज लिया है, प्याज को भी बारीक काटा है। आप चाहे तो मिक्सी से भी पीस के बना सकते हैं। सबसे पहले सब्जियों को सेलो फ्राई कर लेते हैं। मैंने एक चम्मच कढ़ाई में तेल डाल के गर्म होने के लिए रखा है। पहले तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, पहले आलू को डालते हैं। इस तरह से फ्राई करने के बाद सब्जी बनाने से सब्जी का टेस्ट दुगना बढ़ जाता है। वैसे हम रेगुलर सिंपल ही बनाते हैं, लेकिन कभी कभी डिफरेंट भी ट्राई करना चाहिए। आलू अच्छे से ब्राउन हो गया है, इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब इसमें गोभी को डालते हैं। गोभी को भी फुल फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। इस तरह से लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। गोभी भी फ्राई हो गई है, अब इसे भी निकाल लेते हैं। उसके बाद गाजर को भी फ्राई कर लेंगे। अब इसी बचे हुए तेल में गाजर को भी फ्राई कर लेंगे। अब चाहे तो मटर या फिर मशरूम भी डाल सकते हैं। गाजर भी फ्राई हो गई है, अब गाजर को भी निकाल लेते हैं। सब्जियां फ्राई हो चुकी है, अब सब्जी को रेडी कर लेते हैं। इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे, दो लौंग, छोटा सा तेजपत्ता, और बिल्कुल छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। चटकने देते हैं। और इसमें एक पिंच हींग डालेंगे, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें दरदरा कुटा हुआ अदरक लहसुन पेस्ट डालते हैं, और इसी में हरी मिर्ची भी डाल देते हैं। अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज को डाल देते हैं, और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, अब इसमें टमाटर डाल देते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मसाले डालते हैं, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच सूखा धनिया पाउडर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से मसाले को भून लेते हैं। म-
मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे। सब्जी को सूखी बना के तैयार करेंगे। इस थोड़ा सा मैजिक मसाला डालते हैं, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फ्राई वाली आलू गोभी की सब्जी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। गोभी भी फ्राई हो गई है, अब इसे भी निकाल लेते हैं। उसके बाद गाजर को भी फ्राई कर लेंगे। अब इसी बचे हुए तेल में गाजर को भी फ्राई कर लेंगे। अब चाहे तो मटर या फिर मशरूम भी डाल सकते हैं। गाजर जल्दी फ्राई हो जाती है। गाजर भी फ्राई हो गई है, अब गाजर को भी निकाल लेते हैं। सब्जियां फ्राई हो चुकी है, अब सब्जी को रेडी कर लेते हैं। इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे, दो लौंग, छोटा सा तेजपत्ता, बिल्कुल छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, चटकने देते हैं। और इसमें एक पिंच हींग डालेंगे, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें दरदरा कुटा हुआ अदरक लहसुन पेस्ट डालते हैं। और इसी में हरी मिर्ची भी डाल देते हैं। अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज को डाल देते हैं और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, अब इसमें टमाटर डाल देते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मसाले डालते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच सूखा धनिया पाउडर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से मसाले को भून लेते हैं। मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे। सब्जी को सूखी बना के तैयार करेंगे। इस थोड़ा सा मैजिक मसाला डालते हैं, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, अब इसमें फ्राई की हुई सब्जियों को डाल देते हैं। अब जरूर इस तरह से सब्जी बना के देखें, ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसाले में।
सब्जी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के धीमी आंच पे इसको पकने देते हैं ताकि मसाले अच्छे से गोभी और आलू के अंदर चले जाएं। सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाएंगे। हो चुके हैं, अब ढक्कन हटा के सब्जी को चेक कर लेते हैं। सब्जी दिखने में काफ़ी मसालेदार लग रही है। सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है। लास्ट में गरम मसाला और हरा धनिया डालते हैं। अब इस सब्जी को गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। आप भी चपाती या राइस या फिर पराठे के साथ रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।